hello dear student welcome you all uh, to the youtube channel wise of study this is me heather sir so student today we are going to discuss about uh, second poem of class 10th fire and ice okay attempt video so first of all once again I request to the new viewer new students who are first time joining wise uh, of study so please subscribe wise of study for further इन्फॉर्मेशन एंड इम्पॉर्टेंट वीडियोज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट सो लेट्स कम टू द टॉपिक आज हम लोग जो है वो एम सी क्यूज़ जो लैंग्वेज स्टडी है एम सी क्यूज़ है फायर एंड आइस की सेकेंड पोएम है इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसके करेक्ट ऑप्शन को सर्च करने की कोशिश करेंगे सो so यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस तो इस पोएम का पोइट कौन है ठीक है तो इसमें बहुत सारे नाम हैं लेसली नोरिस है रॉबर्ट है, फ्रास्ट हैं कॉर्लिन वेल्स हैं और रॉबिन कैलिन है तो पोएम आपको जो है वो एक्सप्लेन की जा चुकी है ऑफलाइन क्लास में तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा रॉबर्ट फ्रास्ट ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपका व्हाट डज़ द पोइट कंपेयर फायर विथ तो यहाँ पे फायर को पोइट किससे कंपेयर करता है आपने क्लास uh, में भी देखा है कि डिज़ायर से जो है जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है डिज़ायर से फायर को जो है वो कंपेयर किया गया है ओके लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिश यहाँ पे जो एक वर्ड है पेरिश पोएम में आपने देखा होगा तो इसकी मीनिंग यहाँ पे पूछा जा रहा आप है आपसे बहुत सारे ऑप्शन है ब्लूम है राइज़ है डाई है और ग्लो है तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए आप भी कमेंट करते रहें कि आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट होगा तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है डाई ठीक है जो पेरिश है ये रिप्रेजेंट करता है ये डिनोट करता है किसको डाई को तो ये करेक्ट ऑप्शन है लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है वेयर हैज़ ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन वेयर हैज़ ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन क्वेश्चन नंबर फोर तो इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन जो है वो कहाँ पे यूज़ की गई है ठीक है यानी पोइट ने जो है वो पर्सोनीफिकेशन कहाँ यूज़ किया है फायर में आइस में अर्थ में या बोथ ए एंड बी तो दोनों में ही फायर एंड आइस यानी आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो पोइट है उसने पर्सोनिफिकेशन का मतलब आप समझते होंगे कि, कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग वाली क्वालिटी को डालना तो आप देखें अगर फायर हो यहाँ पे फायर की बात हो रही हो या आइस की दोनों को पोइट ने इस तरह से मेंशन किया जैसे वो लिविंग थिंग हो उनसे उसने डिस्कशन किया है तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है पर्सोनिफिकेशन का मतलब ही होता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग वाली क्वालिटी को डालना ठीक है निर्जीव चीज़ को जानदार चीज़ की तरह जो है वो प्रस्तुत करने को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा ओके लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर फाइव नेम द पोइट्रिक डिवाइस इज यूज इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस डिस्ट्रैक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट ठीक है जो आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है टू सेट फॉर डिस्ट्र डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट तो इसमें जो है वो आपसे पूछा गया कि नेम द पोइटिक डिवाइस तो पोइटिक डिवाइस का मतलब समझते हैं आप एनी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी फिगर ऑफ़ स्पीच का यूज़ जो है इसमें किया गया Metaphor है मेटाफर है इमेजरी है एलिट्रेशन है या आगजी मरून है तो क्वेश्चन नंबर फ़ाइव के लिए आप कमेंट करते रहें आप भी अपने से भी इसको सर्च करने की ट्राई करें तो पाँच का जो करेक्ट ऑप्शन है वो इमेजरी होगा ठीक है यानी इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा इमेजरी क्या होता है कि इमेजिन की हुई बातों को जो है वो इमेजरी बोलते हैं जो कल्पना तो पे आधारित हो तो यहाँ पे टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट में जो है वो इमेजरी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स एवर्ड डज आइस सिम्बलाइज तो यहाँ पे आइस जो है बर्फ वो किसको सिंबलाइज कर रहा है ठीक है लव को हेट को वायलेंट डिजायर को या ऑल ऑफ द एबव को करेक्ट so ऑप्शन आप कमेंट uh, करें क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए <coughs> तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी होगा हेट्रेड ठीक है बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है जो व्हाट डज आइस सिंबलाइज तो यहाँ पे आइस जो है वो हेट्रेड को रिप्रेजेंट करता है और इसके पहले आपने देखा कि फायर जो है वो किसको रिप्रजेंट uh, कर रही है फायर विद जो आपने सेकंड क्वेश्चन में देखा होगा तो डिज़ायर को ठीक है फायर जो है डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रही है व्हाट डज आपने सेकंड क्वेश्चन अभी देखा कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद यानी फायर को पोएट ने किससे कंपेयर किया डिज़ायर से और यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर सिक्स जो आप देख रहे हैं तो इसमें आइस uh, को सिम्बलाइज किससे किया गया है हेटरेट से ओके okay? तो इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट डज़ वायलेंट डिज़ायर रीफ़र टू ठीक है व्हाट डज़ वायलेंट डिज़ायर रीफ़र टू तो वायलेंट डिज़ायर जो एक वर्ड आया है उसमें पोएम में तो उस, उसको ये मतलब यहाँ पे पोर्ड जो है वो क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि इसमें लव के बारे में डिस्कशन है आइस है बोथ है एंड बी है या नन ऑफ द एव है नन ऑफ द का मतलब ऊपर में से कोई भी नहीं है ऑप्शन है तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है कमेंट आप भी करें क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए ठीक है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा ठीक है नन ऑफ द एबव यानी कि जो वर्ट डज वायलेंट डिजायर तो वायलेंट डिजायर का कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा नन ऑफ द एबव ओके लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर एट तो क्वेश्चन नंबर एट क्या है व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम राइमिंग स्कीम क्या होती है अभी इसके जस्ट पहले वीडियो में जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो उसमें हमने एक्सप्लेन किया कि किस चीज़ को कहते हैं राइमिंग स्कीम बट यहाँ पे जो आंसर है क्वेश्चन नंबर एट के लिए वो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा ठीक है इसका आंसर जो है वो ए वाला है यानी ए बी ए बी सी बी सी बी तो ये किस प्रकार से आया है आप ये समझ लें कि जैसे फर्स्ट पोएम है फर्स्ट uh, लाइन है पोएम की उसका लास्ट का वर्ड जो है तो अगर उससे सेम वर्ड uh, का प्रोनाउंसिएशन आवाज़ सेकेंड लाइन में निकल रही है ठीक है तो वो ए ए होता है अगर थर्ड लाइन में निकल रही तो ए बी होता है तो इस तरह से हम मेंशन कर रहे हैं अगर आपकी नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट वीडियो जो है एम सी क्यूज का फर्स्ट पॉइंट का उसमें हमने एक्सप्लेन किया आप जाके देख सकते हैं ओके तो यहाँ पे एट का करेक्ट ऑप्शन ए हुआ लेट्स कम टू द नाइन्थ नंबर क्वेश्चन नाइन्थ है फायर एंड आइस इज़ ए हाईली सिम्बोलिक सिम्बोलिक पोएम बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिकॉज इज तो ये हाईली सिंबोलिक पोएम है तो रीज़न क्या है रीज़न बहुत सारे दिए हैं इट इज़ इट यूजेज़ कॉन्ट्रोडिक्शन आइडियाज़ यानी आइडियाज़ में जो है विरोधाभास है इट इज़ मेडिटेशन अबाउट हाउ द अर्थ विल एंड तो ये एक मतलब मेडिटेशन है एक अध्यात्म है कि किस प्रकार से अर्थ जो है ज़मीन अपनी धरती जो है वो एंड होगी इट कार्पोरेट साइंटिफिक टर्म्स या साइंटिफिकली बताया गया है या नन ऑफ दूपर से कोई नहीं है तीनों ऑप्शन में तो नाइन्थ का करेक्ट ऑप्शन आप जो है वो कमेंट में अपने व्यवज़ जो है वो देते रहें बट इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ ए मेडिटेशन ठीक है अबाउट हाउ द अर्थ विल एंड मतलब ये एक कल्पना है एक विचारधारा है कि किस प्रकार से धरती जो है वो एंड होगी तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस पोएम डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड्स विद तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसको जो है वो साइड में किया दोज़ हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर यानी रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रास्ट जो है वो किसके फेवर में है उन लोगों के जो ये विश्वास करते हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर कि धरती जो है वो संसार जो है वो फायर से एंड होगा या उन लोगों का सपोर्ट करते हैं हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड इन आइस आइस से एंड होगा उनका सपोर्ट करते हैं दोज हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड इन बोथ दोनों ही से आइस एंड फायर से ये संसार एंड होगा उनका सपोर्ट करता है या नन ऑफ द एबव है तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है तो आप अपने कमेंट भी दें कि टेंथ का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बट इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है ए क्या है दोज हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर यानी रॉबर्ट फ्रास जो है वो उन लोगों को साइड कर देते हैं अलग कर देते हैं जो ये विश्वास करते हैं कि संसार जो है वो फायर से आग से एंड होगा तो फ्रेंड्स इस तरह से जो एम सी क्यूज थे सेकेंड पॉइंट के उनको हमने अटैम्प्ट किया है आई होप यू विल एन्जॉय द होल एम सी क्यूज द आंसर्स ऑफ दिस दिस क्वेश्चन ओके इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वॉइस ऑफ स्टडी ओके एंड शेयर दिस वीडियो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ठीक है चाहे वो जहाँ के भी हों कोचिंग के हों स्कूल के हों ताकि उनके भी ये काम आए एग्जामिनेशन में सो स्टूडेंट्स मी एक इन द नेक्स्ट वीडियो ओके टेक केयर एंड बाय